Assalamualaikum. Welcome to the next video of the series, and particularly to a course which has been specially designed for anyone, like a person from any background can learn data science. आज का जो session है, it's more oriented towards nodes. So, हमने पिछले के अंदर देखा कि किस तरह हम एक basic workflow design करते हैं. But moving forward, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि node के क्रॉस क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरह ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पहली ओवरऑल चीज़ देखें तो तीन मेजर चीज़ें होती हैं ये कह लें कि चार लाइक फॉर एग्जांपल एक नोड का स्टेटस होता है जो नीचे लाइट्स की फॉर्म में आपके पास होता है अवेलेबल दूसरा हर नोड की कुछ ना कुछ आउटपुट होती है मैंने आउटपुट पोर्ट्स भी कहते हैं फिर नोड डिस्क्रिप्शन होती है एनोटेशन होती है जिसको हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं अगर हम और इन डेप्थ जाएँ तो मैंने पहले भी बताया कि हर नोड की कुछ इनपुट्स होंगी ठीक है कुछ आउटपुट्स होंगी हर नोड को एक नेम दिया जाएगा और हर नोड की एक एनोटेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और फर्दर हमने पीछे डिफरेंट लाइट्स देखी तो लाइट्स के केस में जो है हमें हर नोड की कन्फिग्रेशन के बारे में ये चीज़ें कुछ ना कुछ आ, बताती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जिस तरह रेड है विच मीन्स रेड और ये वाला जो है दोनों चीज़ें दोनों लाइट्स का कम्बिनेशन जो है वो दे टेल अस अबाउट के नोड जो अभी प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है येलो का मतलब है कि नोड कन्फिगर हो चुका हुआ है और ग्रीन का मतलब है कि कन्फिगर्ड एंड एग्जीक्यूटेड है क्रॉस का मतलब है रेड साइन का मतलब है ये है कि नोड जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसने कुछ फेलियर दिया था और हम कंसोल में जा कर दे सकते हैं अगर हम नोड्स के आगे इन डेप्थ जाएँ तो हर नोड की कुछ ना कुछ इनपुट्स या आउटपुट होती हैं मैंने जैसे बताया बट उन ये इनपुट्स या आउटपुट्स में हर नोड के क्रॉस वो चेंज हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखें तो ये एक नोड है जिसका नाम है पर्टिशनी इसके अगर हम यहाँ पे ये एरो देखें तो जब भी ये हाफ कह लें कि एरो का एरो हेड होगा तो इसका मतलब है कोई डेटा टेबल है फॉर एग्जांपल कि कोई डेटा इनपुट हो रहा है और डेटा टेबल्स दो डेटा टेबल्स जो हैं वो आपके आउटपुट हो रहे हैं देन अगर नेक्स्ट देखें तो ये देखें ब्लू रूल है ब्लू स्क्वेयर है इसका मतलब है कोई मॉडल ट्रेन हुआ है उसके रूल जो हैं वो आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्री लर्नर को देखूँ तो इसको एक डेटा टेबल की इनपुट मिल रही है और ये जो है वो मॉडल रूल्स की फॉर्म में कुछ आउटपुट दे रहा है सिमिलरली डिसी एनट्री प्रोडिक्टर का एक नोड है इसको मॉडल रूल्स की फॉर्म में एक इनपुट मिल रही है इसकी दो इनपुट्स हैं दूसरी जगह डेटा टेबल है विच मीन्स के आ, जो नोड्स हैं वो डिफरेंट टाइप की इनपुट्स ले सकते हैं डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स दे सकते हैं अगर हम डीसी लर्नर को देखें डेटा टेबल इनपुट है डेटा मॉडल जो है वो या मॉडल्स रूल्स जो हैं वो आपकी आउटपुट है सिमिलरली डिसेंट्री एंट्री है इसकी जो है वो मॉडल रूल्स एक इनपुट है दूसरी डेटा टेबल एक इनपुट है और एक आउटपुट है अगर हम फर्दर आगे जाएं तो जिस तरह देखें एक और नोड है डिसेंट्री व्यू है इसमें हमने दो तरह की और नई जो है वो इनपुट मिली फॉर एग्जाम्पल ये कि इसको एक इमेज चाहिए आउटपुट की एक इमेज होगी एक डेटा टेबल होगी ये जो एम टी एरोड टाइप का साइन है ये भी डेटा टेबल होता है देन ब्लू आपको पता है कि अगर आप यहाँ से रेफर करें तो ये मॉडल रूल्स हैं देन अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक और नोड है डेटा बेस कनेक्टेड इसमें ये रेड कलर का स्क्वेयर है आउटपुट में तो ये जो है वो डेटा बेस कनेक्शन होता है साइन सिमिलरली एक और uh, नोड है जिसका नाम है इनपुट इंटीजर इस पर देखें डिफरेंट टाइप की uh, जो है वो आउटपुट है स्क्वेयर बना हुआ है तो ये एक फ्लो वेरिएबल है देन जो है वो आपका फॉर एग्जाम्पल ये देखें कलर चेंज है सिर्फ ठीक है तो इसकी एक डिफरेंट आउटपुट है तो पॉइंट आपको हाईलाइट करने का ये पर्पज था कि हर नोड को देख लें हर नोड की डिफरेंट इनपुट और आउटपुट्स हो सकती हैं और यहाँ पे जो डिफरेंट इनपुट्स या आउटपुट्स हैं वो इस तरह डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स के साथ जो है वो आपको बताई जाती हैं हम इनको डेटा पोर्ट्स भी कहते हैं ये इनपुट डेटा पोर्ट्स हैं ये आउटपुट डेटा पोर्ट्स हैं ठीक है तो हर नोड के उनको अपने मुताबिक जो है वो इनपुट या आउटपुट होगी या उसकी डिफरेंट फॉर्म में होगी तो आप बेसिकली आपने ये माइंड ये में रखना है कि नोड्स की जो भी जो है वो शेप होगी यहाँ पे पोर्ट के क्रॉस उसके मुताबिक वो कुछ ना कुछ आपसे इनपुट लेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट देगा अगर आप आगे चलें तो आप आ, किसी भी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल नोड पे जो है वो आप ले जाएं एरो नाइन के अंदर तो आपको देखें कि पॉपअप नज़र आएगा तो आप हर नोड के क्रॉस अगर कर्सर लेके जा रहे होंगे तो ये देखें आपको उसकी ये टाइप लेके जा रहा होगा जब भी आप नाइम के अंदर इस तरह एरो जो है उसकी इनपुट और आउटपुट फोर्ड पे लेके जाएंगे अब मैं सीक्वेंसड वन बाय वन ग्रेजुअली जो है वो हर नोड के क्रॉस इनपुट और आउटपुट पे लेके जा रहा हूँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो उसकी टाइप है वो आपको नजर आ रही होगी सिमिलरली आप हर नोड पर लेके जाए तो आपको उसके मुताबिक वो जो है अपनी इनपुट और आउटपुट दिखाएगा दैट्स इट फॉर द नोट की इनपुट या आउटपुट टाइप्स के लिए सो थैंक यू थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड हैप्पी लर्निंग आई हैट